नमस्कार दर्शकों, इस समय हम लोग आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ रहे हैं जयगांव के सुमसुनी बाजार क्षेत्र से, जहां पे भारी ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। ट्रैफिक जाम काफी दूर तक इसी तरह का ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और यह दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। काफी भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और केवल मुख्य सड़क पे ही नहीं, जो छोटा मिर्चा बस्ती तरफ भक्ता चौपती तरफ जाने वाला सड़क है उसमें भी काफी ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। आप देख सकते हैं मेन सड़क पे तो जाम है ही, लेकिन जो बाकी सारा जो रास्ता है वहां पे भी नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ रुकावट के लिए खेद है। आप देख सकते हैं किस तरह की ट्रैफिक जाम इस समय देखी जा रही है। पूरी तरह से लोग दूसरे गलियों से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा आप देख सकते हैं किस तरह से कतार लगी हुई है, आने जाने का तक रास्ता नहीं है। ये दृश्य आप देख सकते हैं और आज जयगांव में ये सड़क जाम केवल यही नहीं, काफी दूर तक इसी तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं लोग अन्य मार्गों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी वाहनों को भी जाने आने का जगह नहीं मिल रहा, तो जो नाले के ऊपर फुटपाथ बना हुआ है उसको भी इस्तेमाल करने के लिए लोग मजबूर हो गए। ये स्थिति आप देखिए किस तरह का ट्रैफिक जाम इस समय जयगांव में देखा जा रहा है। मुख्य सड़क पे तो ट्रैफिक जाम है ही, अंदर के पॉकेट रास्तों में भी इसी तरह का जाम देखने को मिल रहा है। ये दृश्य देख सकते हैं भारी ट्रैफिक जाम इस समय जयगांव शहर में, जयगांव के सड़कों पे भारी ट्रैफिक जाम। आप ये दृश्य देख सकते हैं भारी ट्रैफिक जाम की समस्या इस समय जयगांव के सड़क में देखी जा रही है। ये दृश्य आप देखें तमाम सड़कों में, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए वाहन भी ऐसे जाम में फंसी हुई है। तमाम वाहन जो है आप देख सकते हैं काफी दूर तक इसी तरह से जाम लगा हुआ है, काफी दूर तक इसी तरह से जाम लगा हुआ है। भारतीय वाहन कहें या भूटान के वाहन कहें, सभी इसी तरह से जाम में फंसे हुए हैं। ये दृश्य है भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के सुमसुमी बाजार क्षेत्र से, यहीं पे पास में ही लैंड कस्टम्स विभाग का यहाँ पे ऑफिस मौजूद है। इंडियन कस्टम्स विभाग का ऑफिस यहाँ पे मौजूद है। आगे टेलीफोन एक्सचेंज है, थोड़ी दूर पे जयगांव का बस स्टैंड मौजूद है। काफी व्यस्त सड़क है, लेकिन आज जिस तरह के ट्रैफिक जाम देखने को मिल रही है, इस तरह के ट्रैफिक जाम काफी कम देखने को मिलती है। ये दृश्य आप देखें लोग किस तरह से इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, वाहन किस तरह से फंसी हुई है ये आप देख सकते हैं। और बाकी सड़कों में भी पॉकेट रास्ते में भी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। काफी भारी ट्रैफिक जाम जयगांव में इस समय, ये दृश्य आप देख सकते हैं। और एक तो सड़क ज्यादा चौड़ा नहीं है, उसके बाद सड़क के किनारे काफी सारे वाहनों का पार्किंग हो जाता है। यहीं पे बाजार भी मौजूद है, यहीं पे कस्टम विभाग का ऑफिस भी मौजूद है। काफी सारी समस्याएं हैं और एक समस्या दूसरे समस्या को जगह देती है और समस्या गंभीर हो जाती है। आप एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, दो का कर सकते हैं, लेकिन एक की वजह से दूसरा समस्या उत्पन्न हो जाता है और दूसरे के चलते तीसरा। और ये दृश्य देख सकते हैं और कोशिश यही कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी शॉर्टकट रास्ते से
निकल जाए, लेकिन शॉर्टकट रास्ता भी इस समय ट्रैफिक जाम का समस्या से झेल रहा है। ये दृश्य आप देखें, ये दृश्य आप देखें, लोग किस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। पूरी तरह से ट्रैफिक जाम इस समय जयगांव में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये पॉकेट रास्ता है, ये वो रास्ता है जिसे लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज ये मुख्य रास्ता के बराबर हो चुका है। वाहनों को आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं, किस तरह से जाम में फंसे हुए हैं। ऑटो रिक्शा तो खैर समझ में आता है, लेकिन बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े बस सभी इस सड़क पर देखे जा रहे हैं। भारी ट्रैफिक जाम की समस्या इस समय जाएगा हमें। ये दृश्य आप देख सकते हैं, आमतौर पे इस सड़क का इस्तेमाल लोग पैदल यात्री या बाइक या छोटे मोटे वाहन के लिए करते हैं, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं लोग वैकल्पिक रास्ते के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जयगांव में आज भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही है, लोग परेशान हैं, लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और किसी ना किसी तरह से इसी तरह का गली से निकलने का, शॉर्टकट निकलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सड़कों में भी इसी तरह का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं। हम लोग फिर आप सभी के समक्ष जुड़ेंगे, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।